अच्छा, सीएसके की टीम आईपीएल पॉइंट्स टेबल पर एकदम ऊपर है, इसकी तो हमें आदत है, लेकिन एसआरएच की टीम इतनी नीचे है इसकी आदत नहीं है। हो सकता है कि जैसा 2020 सीएसके के साथ बीता, शायद 2021 एसआरएच के साथ बीते। फिलहाल तो संकेत कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि लगातार पांचवी हार उन्होंने दर्ज की है और लगातार पांचवी जीत सीएसके को मिली है। इस मैच पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कॉइन डीसीएक्स को प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट। और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं दीप दास गुप्ता। दीप, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम मैच के शुरुआत से। डेविड वॉर्नर जब आए, उनकी जो पारी है, उनके स्ट्राइक रेट को लेकर थोड़े सवाल खड़े होंगे, क्योंकि सबने ये माना कि पिच बहुत ही शानदार थी बल्लेबाजी के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन देखिए ये लगभग वैसे ही पारी रहा जैसे ऋषभ का पिछले दिन था, कि जहां पे कोशिश तो की वॉर्नर ने, लेकिन वही होता है ना कि फुल टॉस मारा तो फील्डर के पास, अच्छा शॉट लगाया सीधा कवर के हाथ में, तो ऐसा भी नहीं कि आउट भी नहीं हो रहे थे और रन भी नहीं निकल रहे थे, बट ऐसी बात नहीं कि कोशिश नहीं कर रहे थे। और कभी कभार हो जाता है, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आप कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा आपसे, तो आज उनमें से एक दिन था वॉर्नर के लिए, क्योंकि ये जो अर्धशतक उन्होंने जरूर बनाया, लेकिन ये उनके T20 करियर का सबसे धीमा अर्धशतक रहा है। इससे धीमे कभी खेले नहीं है, तो इट इज वन ऑफ द सैड डेज, जहां पे जैसे मैंने कहा कि कुछ दिन होते हैं बैट्समैन के ऐसे। इस बीच आपको कुछ समझ आया कि उन्होंने पहले बल्लेबाजी क्यों चुनी? क्योंकि हम MS धोनी को शुरुआत में ही सुन रहे थे, उनका कहना था ओस तो पहले ही आगे थी करीब 7 बजे के करीब ही, इसको ध्यान में रखते हुए फिर वॉर्नर पहले बैटिंग करते हैं, या फिर उनके जहन में ये होगा कि पिछले कुछ समय से उनका मिडिल ऑर्डर चेज नहीं कर पा रहा। बिल्कुल सही कहा आपने कि अमूमन अगर आप देखें तो दो चीजें कि पहले दिल्ली में आप जनरली जो टीम्स चेस करती हैं वो जीतती हैं, वो एक। दूसरा, ये पिच बहुत ही अच्छा था, आपको पता है कि यहाँ पे ड्यू गिरेगा, फिर बाद में और आसान हो जाएगा चेस करना, और बेहतर हो जाएगा ये पिच बैटिंग के लिए। लेकिन जैसा आपने कहा कि पिछले कुछ मैचेस में चेस नहीं कर पाई है SRH, और अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं पिछले 2-3 साल देखें तो इट्स बीन अ डिफेंडिंग साइड, अगर SRS देखें तो बोलिंग साइड, क्योंकि उनका अच्छा रहा है तो वो डिफेंड कर पाए हैं टोटल्स इसके पहले, तो कहीं ना कहीं ये दो चीजों का मिश्रण होगा डेविड वॉर्नर के दिमाग में, टीम मैनेजमेंट के दिमाग में, तभी टॉस जीत के। और मैंने ये ऑन एयर भी कहा कि मैं ताजुब था जब उन्होंने कहा कि मैं बैट करूंगा पहले, तो वैसे भी पार टोटली लोग कहेंगे, शायद थोड़ा बिलो पार वो बना पाए, अगर कोई भी चांस था तो शुरुआती विकेट चटकानी थी, वो तो हो नहीं पाया क्योंकि डुप्लेसी और गायकवाड ने शानदार प्रदर्शन किया। गायकवाड के बारे में बात करूंगा, जिस तरह से वो स्पिनर्स को खेल रहे थे, माना कि इंडियन बैट्समैन स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, पर ये तो उससे भी शानदार, राशिद खान भी उनमें से एक थे जिनको इतनी शानदार तरीके से खेला। बिल्कुल, हमें ऋतुराज का जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि कभी भी देख के लगता नहीं है कि जोर से मारने की कोशिश कर रहे हैं, टाइमिंग के ऊपर ज्यादा उनका भरोसा है, और जो पहले 2-3 मैच अगर आप देखें तो वहां पे देख के लग रहा था कि बहुत जल्दी बहुत सारे शॉट खेलना चाहते थे, तो कभी कभार हो जाता है मानसिकता, क्योंकि पिछला सीजन आपका अच्छा था तो आपको लगता है कि वो पिछले सीजन से ही मैं कंटिन्यू करूं, लेकिन पिछले 2-3 मैचेस अगर आप देखें जैसे ऋतुराज ने किया कि पहले 5-10 गेंदे आराम से खेले और उसके बाद सेट होने के बाद कभी भी देख के नहीं लगा कि तेज मारने की कोशिश कर रहे हैं, बॉल को टाइम कर रहे हैं, गैप ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छी पारी ऋतुराज से। इस बीच मैं वॉर्नर की कप्तानी को लेकर पूछता हूँ, फैफ डुप्लेसी का अगर आपको याद हो, जब हम प्रीव्यू भी कर रहे थे, उनका एक रिकॉर्ड था कि वो तेज गेंदबाजों के खिलाफ इस सीजन बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा शायद आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एक स्पिनर के साथ। अभिषेक शर्मा थे नहीं वैसे इस मैच में, नहीं तो उनके साथ वो करते हैं, पर सुचित थे शुरुआत में, अगर पावर प्ले में एक गैम्बल हो सकता था। जी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि और एक चीज आप देखेंगे तो अब तक इस सीजन में पावर प्ले में सिर्फ 2 विकेट लिए हैं SRH ने, सिर्फ 2 विकेट, और ये छठा मैच है उनका, तो कहीं ना कहीं कुछ तो अलग करना पड़ेगा। जी हाँ, कह ही सकते हैं कि भूवी नहीं है, नटराजन, भूवी एक बहुत बड़ा झटका, नटराजन भी जिस तरीके से पिछले 2 साल से वो खेल रहे हैं, 1.5 साल कम से कम, आपको पता है वो भी एक बहुत बड़े जो है अहम हिस्सा है इस बॉलिंग यूनिट के, तो वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप उसके बावजूद आपको ढूंढना तो पड़ेगा कोई दूसरा विकल्प हो, कोई दूसरा पैंथरा हो, क्योंकि इस जो जिस तरीके से चल रहे हैं ऐसा तो मुश्किल हो जाएगा और आगे चल के।
क्योंकि आपने भूवी के बारे में बात की, क्योंकि आज हमने देखा फिर से 3 विकेट राशिद खान ही चटकाते हैं। पहले भूवी का उनको सपोर्ट मिलता था, अभी तो फिलहाल वो 2 मैचेस से इंजर्ड है। एक और गेंदबाज जिसको लेकर थोड़ा सरप्राइजिंग हो, संदीप शर्मा। माना कि जब आप पहले थोड़ा खेल रहे थे स्विंग नहीं आ रहा था तब समझ आता है, आज थोड़ा बहुत स्विंग भी था फिर भी वो विकेट नहीं ले पा रहे, क्या लगता है आपको? देखिए मुझे ये लगा कि दूसरा ही उनका ओवर था और वो क्रॉस सीम डालने लगे, वो मैं थोड़ा सा ताजुब था कि भाई आप आपकी जो जो आपका मजबूत पक्ष है वो है स्विंग कराना और आप क्रॉस सीम डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है ना निक, मेरे हिसाब से कि एक माइंडसेट थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता है और वो होना लाजमी सी बात है, क्योंकि अगर आप जीत रहे हो तो तब आपको लगता है कि जितनी भी बुरी हालत हो आप वहां से भी मैच निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरे उल्टा हो जाता है जब आप हार रहे होते हैं मैच, तब आप थोड़ा सा नकारात्मक सोच हो जाती है, थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता है सोच, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा वो दिखा मुझे आज उस अप्रोच से पूरे 40 ओवर, अगर आप देखें 40 ओवर तो हुआ नहीं, जितने भी 38-39 ओवर जो भी हुए उसमें थोड़ा सा डिफेंसिव दिखा, उनका बॉडी लैंग्वेज हो, जो डिसीजन मेकिंग हो वो थोड़ा सा डिफेंसिव लगा। डिफेंसिव है शायद यही कारण है कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल में एसआरएच जहां पर है। आखिरी मेरा सवाल यही है कि अब हैदराबाद की राह कितनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन इससे पहले मैं उस पे आऊं, एक वर्ड ऑन चेन्नई फील्डिंग, हम कई बार इस एस्पेक्ट को मिस कर जाते हैं, आज ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। बिल्कुल बिल्कुल, दो चीजें, एक तो फील्डिंग जैसे आपने कहा कैचिंग हो या आउटफील्ड हो, फैफ कह लीजिए और चड्डू कह लीजिए, ये दोनों तो अलग लेवल के फील्डर हैं, उसके अलावा जो दूसरे हैं ऋतुराज हैं या दूसरे भी सुरेश रैना, अभी थोड़ा सा उम्र हो गया, थोड़े से स्लो हो गए लेकिन फिर भी इज अबव एवरेज वो, और एक बोलिंग की भी मैं बात कहूंगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ये पिच इतना अच्छा था उसके बावजूद, अगर कारण कोई है, चलिए वॉर्नर का एक खराब दिन हो सकता है, उसके अलावा अगर आप देखें जितना टाइट लाइन पे उन्होंने गेंदबाजी की है, थोड़ा सा भी लेग स्टंप नहीं, थोड़ा सा भी ऑफ स्टंप के बाहर रूम नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा विकेट टू विकेट बोलिंग, मेरे ख्याल से ये फील्डिंग और बोलिंग बहुत बड़ा हिस्सा रहा इस जीत के पीछे। अब आता हूं उनके चांसेस क्या है, हालांकि अभी भी 8 मुकाबले उन्होंने खेलने हैं, इससे पहले वो टॉप 4 में फिनिश किए थे पिछले सीजन, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं उस लेवल की ये टीम है, अब कम से कम मैं ऐसी एवरेज पे जा रहा हूँ 6 तो जीतने पड़ेंगे 8 में से मिनिमम, क्या लगता है आपको? देखिए 6 तो जीतने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप 7 जीते तो फिर थोड़ा सा मामला आसान हो जाता है, मतलब 16 अंकों के साथ, लेकिन जैसा आपने कहा कि 14 अंक में भी मुझे लगता है एक टीम क्वालिफाई करेगी इस साल भी, तो अभी भी 6-8 में से मुश्किल काम है, बेहद मुश्किल काम है, लेकिन देखिए ऐसा पहले हुआ है, ऐसे क्वालिफाई किया है टीम्स ने इसके पहले भी, लेकिन जो चीज जो बदलने की जरूरत है वो मानसिकता, और जो मैं डिफेंसिव सोच की मैं बात कर रहा हूँ उससे निकलना पड़ेगा, थोड़ा चांस लेना पड़ेगा, और अब मेरे ख्याल से वो हालात आ भी गए हैं एसआरएच के लिए, या इस पार या उस पार वो सेफ नहीं खेल सकते। और 7 मैच जीतने के बारे में तो बाद में सोचना होगा, फिलहाल 7 विकेट से जो ये मैच ये टीम हारी है उसके ऊपर विचार करना होगा, काफी चर्चा भी होगी इसको लेकर। दीप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। जाने से पहले अपने दर्शकों को याद दिला दें कि आप वीवो आईपीएल की मैच हाइलाइट्स और लाइव मैच देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो फिलहाल आप देख रहे थे कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट।